जो भी YouTube पे काम करता है ना, वो हमेशा यही सोचता है कि डॉलर का वैल्यू ज्यादा हो। मतलब एक टाइम पे 70 रुपए था, अब डॉलर 83-84 पे पहुंच गया। डॉलर बढ़ेगा तो हमारा फायदा है, लेकिन देश का घाटा है। ऐसा भी सीन चलता है YouTube पे। हर जमाना ही ऐसा है, हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। मेरा नाम है अमित नेगी, मेरे गाँव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज जा रहा हूँ कुछ खास काम से, मैं और मेरी दादी। तो दादी का भी बैंक में काम है और मेरा भी बैंक में काम है। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो चलते हैं, अभी मार्केट जाना है हमने, पहले तिलवाड़ा जाना है फिर रुद्रप्रयाग। तो दोनों का काम वैसे रुद्रप्रयाग में ही है, तो चलो चलते हैं। ठीक लग रहा है दादी? तो बुढ़िया हो गई, अब क्या करें। अब धीरे धीरे ये है कि चलने का ज़्यादा मन करता है नहीं। पहले तो हम लोग पैदल ही जाते थे, अब धीरे धीरे गाड़ी में शिफ्ट हो गए। और वैसे जब भी मैं अकेले जाता हूँ, हमेशा पैदल ही जाता हूँ यार, पर अभी दादी है तो दादी के साथ चलेंगे। दादी का चश्मा छूट गया, फिर वापस जाना पड़ता है। वैसे जाते नहीं है ऐसे, कुछ अलग होता है भले यार, ऐसा जाना नहीं चाहिए, भला हमेशा बैक में। पहुंच चुका हूँ, यहाँ का अलग ही सीन रहता है। कभी सारी गाड़ियाँ चली जाती हैं एकदम, और कभी सारी यहीं पे रहती हैं। मतलब कभी 7 बजे चली जाती हैं, कभी 9 बजे तक जाती नहीं है। आज हमारे साथ लॉल हो गया, मैंने एक वीडियो अपलोड करनी थी वो हुई नहीं, और गाड़ी अभी गई नहीं। देखते हैं यार, बैंक भी जल्दी जाना है, क्या पता आधे दिन में ही बंद हो जाए बैंक। तो ये हमारे गांव की सड़क है, यहाँ पे कच्ची सड़क है। अभी मैं बीच वाली सीट पे बैठना चाह रहा था, लेकिन यहाँ देखा तो ये तो हमारे तैला वाले विद्यार्थी हैं, और आज ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वहाँ तिलक नगर प्रोग्राम है, तो हमारा प्रोग्राम है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। किस चीज का प्रोग्राम है? विज्ञान प्रदर्शन। अच्छा, मतलब तुम लोग सिलेक्ट हो रहे हो? हाँ, यहाँ से। बढ़िया है दोस्तों, आप देखते हैं। हमारे टाइम पे भी बहुत प्रोग्राम होते थे, हम भी खूब जाते थे, खूब मजे लेते थे यार। अब तो जिंदगी ऐसे ही चल रही है, कभी बाजार कभी ऐसे। बढ़िया है, तो बेस्ट ऑफ लक है तुम दोनों को। ये देखो यार, मम्मी मुझसे पहले खेत में आ गई थी, हमारे खेत जस्ट सड़क के नीचे ही है। ये देखो, हाय कर, काम बहुत जरूरी है यार अपनी लाइफ में ना, हर कोई काम ही पे लगा पड़ा है। तो गाइस, अभी दादी का काम तो हो चुका है, मतलब दादी के सारे पैसे निकाल दिए हैं। अब मेरी बारी है, अब मेरे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। मेरा बैंक थोड़ा दूसरा है, यूनियन बैंक है, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। इस साइड देखो, लगे पड़ काम करने पे, तो हम भी चलते हैं अब। अब ठीक है ना, मतलब दादी का आते ही यहाँ पे काम हो गया सीधे। और ये बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप खाता खुलवाना चाहते हो तो एकदम बढ़िया से खुल जाएगा। ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है यहाँ पे, तो सही है, मतलब काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तिलवाड़ा पहुंच चुके हैं, और आपको जैसे कि पता ही होगा, जो जो मेरे साथ नए जुड़े होंगे तो उनको बता दूं, मैं हमेशा यही बाल कटवाता हूं, और अपना सही रहता है यार भाई, तब डिस्काउंट भी पड़ जाता है। तो मैं पता है 5-6 साल से यहीं से कटवा रहा हूं, उससे भी ज्यादा हुआ यार, जब मैं 10th 11th में था तब से आता हूं। थोड़ा इधर होना, थोड़ा ज्यादा नहीं दिखे। तो गाय, अभी तिलवाड़ा पहुंच चुका हूं। सीन ऐसा हुआ यार, रुद्रप्रयाग काम था मेरा, मेरे को स्विफ्ट कोड लेना था। फर्स्ट पेमेंट थी स्विफ्ट कोड में, ऐसा होता है ना, करेंसी चेंज होती है क्या, मतलब जो YouTube है वो अमेरिका का है, तो ये डॉलर में चेंज होके ये इंडिया में बन जाता है। बट यार वो सीन नहीं हो पाया, तो स्विफ्ट कोड तो मैंने ले लिया है, बट जब आएगा वो स्विफ्ट कोड बाद में आएगा क्या, तो मतलब पहली पेमेंट अभी मिली नहीं है। वैसे तो पेमेंट बहुत सारी बन गई है, बट बाद में मिलेगी यार पेमेंट वाली। तो अभी बने रहो यार, घर चलते हैं। पूरा मूड ऑफ हो गया, पूरा काम हो गया था, दादी को पैसे मिल गए थे, बट मेरा वाला सीन हुआ नहीं। अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, 4-5 दिन का वेट कहा है उसने, तो अब देखते हैं यार। अभी मैं मार्केट में हूँ, ये मार्केट दिखा यार भाई को कह रहा हूँ दोस्तों को। ये है हमारा सुमाड़ी मार्केट, इधर वाला, ये हमारा स्टैंड है, मेरी शक्ल भी दिखा दे। तो गाइस, ये हमारा मार्केट है, और ये स्टैंड है, ये हम है, ये वीडियो बना रहा है जो, इसका नाम भी अमित है। दोस्तों, अभी घर पहुंच चुका हूँ, सारे दिन बिजी रहा है ऐसे ही, बहुत सारा काम था, दाढ़ी भी बनाई, बाल बनाए, उसके बाद दादी के साथ भी काफ़ी काम था। और बताना शेविंग करके कैसा लग रहा हूँ। चलो छोड़ो यार, लगने से क्या है, बट यूट्यूब पे आपको थोड़ा बहुत दिखना भी पड़ता है, भले मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, बट यह कि आपके अंदर अपने लड़ने की क्षमता हो किसी से, मतलब कोई आपके साथ गलत कर रहा है, बोलने की क्षमता है, तो आप YouTube पे काम कर सकते हैं। गलत को गलत बोलना चाहिए यार हमेशा ना। जो भी YouTube पे काम करता है ना, वो हमेशा यही सोचता है कि डॉलर का वैल्यू ज़्यादा हो। मतलब एक टाइम पे 70 रुपए था, अब डॉलर 83-84 पे पहुंच गया है। कभी कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन उसमें यूट्यूबर्स का फ़ायदा है और देश का घाटा होता है, क्योंकि GDP में डाउन अप डाउन होता रहता है। तो देख लो यार, मतलब अगर डॉलर बढ़ेगा तो हमारा फायदा है, लेकिन देश का घाटा है। ऐसा भी सीन चलता है YouTube पे, हर कोई यही चाहता है यार। और आजकल जमाना ही ऐसा है, हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। ये नेता नूता लोग भी अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते तो भर्ती कर देते लड़कों को। कोई बात नहीं, अब नहीं किया तो नहीं किया, आगे आप में समझ है, आप देख लेना भैया। और मेरा सीन ऐसा था कि मेरा हो नहीं पाया, वही स्विफ्ट कोड का चक्कर पड़ गया था, तो बैंक जाके स्विफ्ट कोड लिया। सबसे पहले जब मैं बैंक मैनेजर के पास गया, वो बोला, मैंने कहा स्विफ्ट कोड दे दो, वो भी अचानक चौंक गया, यार ये स्विफ्ट कोड क्यों मांग रहा है। स्विफ्ट कोड वही मांगते हैं जिनको मनी एक्सचेंज करनी हो, मनी एक्सचेंज तभी होती है जब हमारे पास डॉलर का सीन हो।
तो मैंने उनको बताया कि भाई चैनल चुनल है, तो मतलब यार उनको भी बड़ा वो लगा कि यार भैया पैसे वैसे आने लगे हैं। बट स्विफ्ट कोड दिया है, अभी हर जगह का एक स्विफ्ट कोड होता है अलग अलग बैंक का, पूरा ऑल इंडिया ओवर में। तो स्विफ्ट कोड मिलने के बाद जो हमारी मनी है वो इंडिया में एक्सचेंज हो जाती है, टैक्स भी कटता है इसका, यूट्यूब भी टैक्स काटता है अपने पास। अब मुझे ये पता नहीं यूट्यूब जब हमें पैसे देता है तो उसके पास कहाँ से आते हैं, आप अपनी तरफ से बता देना। बट यह है ब्लॉगिंग लाइन में थोड़ा कम पैसे मिलते हैं, ठीक ठाक मिलते हैं, बट उस वाइन्स वालों को बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो गेम खेलते हैं, जिनका गेमिंग चैनल है उनको और कम पैसे मिलते हैं। बट यह है कि अगर हम घर पे रहते हैं, अपनी चीज़ें दिखाते हैं, काम साथ साथ काम भी होता है और अपनी गांव की चीज़ें, अपने पहाड़ी कल्चर बाहर एक्सप्लोर होता है, तो बढ़िया चीज़ है। मतलब बाहर के लोग ज़्यादा देखते हैं, अपने पहाड़ी लोग देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सबको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन जब बाहर के लोगों को, जैसे हमें भी दूसरे लोगों का कल्चर देखना पसंद है, ऐसे बाहर के लोगों को भी ये देखना पसंद है कि पहाड़ों पर डेली लाइफ स्टाइल क्या होती है। बाकी YouTube पे तो सब बढ़िया ही है, अभी तो ठीक ही चल रहा है, अब देखते हैं भगवान की तरफ से। ऐसा YouTube पे काम करना आसान लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप उस लाइन में घुस जाते हो तो 100 सब्सक्राइबर फिर 1000 डेली सेम कंटेंट भी नहीं, कुछ अलग करना भी ज़रूरी होता है। और मैन है कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तगड़ा वाला तो आप कहीं भी जा सकते हो। बट यह धीरे धीरे लाना पड़ता है यार, मार्केट में बोलूँ सबसे पहले अपने गाँव में अपने घर पर खुलना पड़ता है। मैं तो ऐसा था कि अब क्या बताऊँ यार, किसी दिन बताऊँगा अगर फर्स्ट पेमेंट आएगी तो। मेरी पेमेंट का सीन वही रुक गया यार, पेमेंट मिल जाती मुझे लेकिन वहाँ से मुझे मेल आया कि वी सेंड 4-5 डेज, अब देखते हैं पता नहीं कितने दिनों में आती है और कितनी आती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक ठाक ये है कि बट यार मेहनत करोगे तभी मिलेगी, अगर वीडियो बनाते रहो कोई भी वायरल हो जाएगी। अब देखो सपोज मैंने कोई वीडियो बना दी वो वायरल हो गई, तो इसका मतलब थोड़ी ना सारी वीडियो वायरल होंगी, किसी पे कम ज़्यादा व्यू आते रहेंगे। बस आप अपने तरीके से कंटेंट अच्छा रखना अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो। बाकी यूट्यूब तो बढ़िया ही चीज़ है अभी तक मुझे लगा, और यूट्यूब पर सबसे बढ़िया है नाम फेम सब कुछ मिल जाता है। बट ये अगर आप अच्छे वे से जा रहे हो, अगर गलत वे से जाओगे तो फिर वही, जैसे मेरा सीन है मैं कंट्रोवर्सी भी बना रहा हूँ, तो अगर मेरी एक जगह पकड़ मजबूत बन रही है तो दूसरी जगह घट भी रही है। बट गद्दारों के बीच घट जाए कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम्हारा भाई एकदम सेट है फिर भी वीडियो बनाते रहेगा ऐसे टॉपिक पे। मैं ऐसे टॉपिक बार बार नहीं उठाता हूँ, तभी उठाता हूँ जब आपको पता है यार हमारे साथ घपला हो रहा है, बहुत सी चीज़ें यार अब क्या बताएं यार, इसलिए तो यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। यूट्यूब का एक चीज़ और बता देता हूँ, जब इंडिया की वैल्यू डाउन होती है ना करेंसी की और अमेरिका की बढ़ती है तो यूट्यूबर्स का फायदा होता है। दोस्तों यार आजकल दिन इतने छोटे हो रहे हैं पता ही नहीं लग रहा है ब्लॉग क्या बनाना पूरे दिन, और मतलब दिन शुरू होते ही ख़त्म भी हो रहा है भाई, अचानक ही देखो 5 बजे ही अंधेरा हो रहा है यार। अब ऐसे में कंटेंट बनाने में बहुत आफत आ जाती है। अब काम हमारा सेम है, जैसे गोबर डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, अब डिफरेंट क्या दिखाना, अब मार्केट में रहते नहीं, अब मार्केट में जो रहता है वो भी एक दो दिन मार्केट दिखाएगा। बट ये है कि यार दिखाते रहेंगे आपको, धीरे धीरे पांडव लीला होने वाली है, मेले लगने वाले, आजकल जगह जगह मेले लगे हुए हैं बट जाने का टाइम नहीं मिल रहा यार, घर पे काम करना भी ज़रूरी है, वरना तो मैं घूमता रहता, बट मेरे लिए काम पहले भी इंपॉर्टेंट है यार। पे मम्मी और बहन ही है बस काम करने वाले, और दादी तो कर नहीं पाती है, पर फिर भी दादी कोशिश करती है जितना हो सके, दादी से आजकल ही घर आई है। तो यार आप लोग बोलते होंगे हमेशा छत पे जाके ही वीडियो क्यों बनाता है, तो यहाँ पे क्वालिटी भी ठीक आती है थोड़ा और महसूस भी अच्छा होता है, बट लोग बहुत ज़्यादा आते हैं इधर उधर, पर मैं सोचता हूँ यार जितने लोगों के बीच में आप वार्तालाप करोगे एकदम कैमरे के सामने, मैं तो कह रहा हूँ कि बैक कैमरे से हमेशा वीडियो बनाया करो, उससे क्वालिटी अच्छी आती है, हमारा फोकस एकदम कंसिस्टेंट रहता है, मतलब हम बैक कैमरे पे ही देखते हैं। अगर फ्रंट से बनाते हैं कभी पब्लिक में आगे पीछे लोग आ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान उधर चले जाता है ना चाहते हुए भी, बैक में वही फायदा है। बट बैक में एक घाटा भी है, अगर कोई फ्रंट पे हाई कर रहा हो तो उसको पता ही नहीं लगेगा, हम बाद में वीडियो में देखता हूँ यार पीछे से कोई जानने वाला था वो बोलता है, वो बाद में सोचता होगा या आप लोग बोलते होंगे यार उसको इग्नोर कर दे, तो ऐसा सीन रहता है बैक कैमरे का, क्वालिटी ज़बरदस्त देता है। बाकी मैं छत में इसलिए बनाता हूँ कि मैंने बताया है आपको कि क्वालिटी ठीक ठाक आती है। और दोस्तों पहले बता दूँ मेरे गांव का नाम तैला है जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत गर्म होता है, मतलब उस हिसाब से गर्मियों के टाइम पे बहुत गर्म होता है, इतना बर्फ वर्फ वाला सीन नहीं रहता है, तो इसलिए हम ज़्यादा कपड़े पहनते नहीं हैं, ये तो बस मैंने इसलिए पहन रखा है कि मास्क के काम आ जाए। और बाकी यहाँ शाम हो चुकी है और जगह बहुत जल्दी ठंड लग, बहुत से जगह तो ऐसे हैं कि वहाँ जहाँ साल भर कपड़े नहीं उतरते हैं। वैसे तो मेरी मम्मी ये भी दिन भर स्वेटर पहने रखती हैं क्योंकि यार सन स्किन कह रहा हूँ यार, पूरी सन पड़ती है ना तो एकदम यार स्किन जल जाती है सबकी, तो इसलिए यार यहाँ पे गांव के लोग स्वेटर पहनते हैं ताकि यार जब भारी भूरी बोझा चीज़ लाएँ तो यहाँ चुभे नहीं यार वो, ये भी तो आफत है यार, एक से एक आफत है गाँव में। बट यह है कि मज़ा है, सुकून से खाते हैं, एकदम बढ़िया चीज़ें खाते हैं, नो हाइब्रिड नो कुछ, हवा देख सकते हो आप यहाँ पे, मेरे पीछे देखो यार मौसम देखो मेरे गांव का, इधर का तो एकदम सेट है, इधर मछाणा माता का मंदिर है, प्रणाम कर दो एक बार, आशीर्वाद ले लेना आप भी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा।